हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हियर। आज की वीडियो में हम एक आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं, जो है जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड का आईपीओ। 22nd ऑफ फेब को ये ओपन हुआ है। तो क्या कंपनी काम करती है, किस तरीके के इसके फाइनेंशियल्स हैं, फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन कैसे देखने को मिली है, किस तरीके की लिस्टिंग है इसमें एक्सपेक्टेड है, क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिए। सबसे पहले अगर कंपनी की बात करें तो 1989 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है। और बेसिकली ये मिड साइज के हॉस्पिटल्स जो हैं, उस तरीके के इनके ऑपरेटिंग हॉस्पिटल्स हैं। तो करेंटली इनके 4 ऑपरेटिंग हॉस्पिटल्स हैं जो 561 कैपेसिटी के बेड वाले हैं। और इनके जो हॉस्पिटल हैं वो बेसिकली जो है ईस्टर्न इंडिया में फैले हुए हैं, मतलब वेस्ट बंगाल की साइड इनके ज़्यादा हॉस्पिटल्स जो हैं वो ऑपरेटिंग हैं। इसके साथ ही ये सेकेंडरी एंड टेरिटरी केयर्स को फोकस करती है। और कंपनी के की जो है हर स्पेशलिटी में, चाहे वो न्यूरोलॉजी हो, ऑन्कोलॉजी हो, हर तरीके की मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करती है। इसके साथ इनके पास HDU, ICU इनके हॉस्पिटल में प्रोवाइडेड हैं। तो ये कंपनी की डिटेल हो गई। अब हम इसके फाइनेंशियल्स की तरफ अगर देखें कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो आप असेट यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में कंपनी के असेट में ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा असेट में इसमें ग्रोथ इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी ग्रोइंग है, स्लो पेस से कंपनी की रेवेन्यू जो है सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो इनके प्रॉफिट में हमको फॉल देखने को मिला है। मीन्स कंपनी प्रॉफिटेबल तो हुई है, लेकिन इनकी प्रॉफिट जो है वो 6% से ड्रॉप हुई है, कम हुई है प्रॉफिटेबिलिटी इनकी। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कंपनी का इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी यहाँ पे हमको इंक्रीज होता हुआ दिखा है। और बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स भी हैं, थोड़ी बहुत बोरोइंग्स हैं जो यहाँ पे हमें कम होती हुई दिख रही है, मतलब धीरे धीरे कंपनी अपनी बोरोइंग्स को कम कर रही है। आईपीओ लाने का रीज़न भी यही है कि कंपनी को अपने बोरोइंग्स को निल करना है और साथ ही कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अगर अदर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का ROE ROCE काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो 23.59% एंड 26.09% का है, जो क्वाइट इंप्रेसिव है। डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का 1 से कम है तो अच्छा है, बाकी का भी डेट कंपनी क्लियर करने के मूड में है इस आईपीओ से जो पैसे जनरेट करेगी उसके थ्रू। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 23.77 का है। तो इस तरीके की कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है हमको ओके दिख रहे हैं, मतलब असेट में बहुत ज़्यादा खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, जबकि इस तरीके की जो हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनीज होती हैं उसमें असेट की ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है। और सेल्स भी हमने देखा कि ओके बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में इनके लास्ट ईयर फॉल देखने को मिला है, ये हमें थोड़ा सा एक नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इनकी 6% से कम हुई है। साथ ही कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छी बात है। कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ROE एंड ROCE, वो अच्छा है, वो एक हेल्दी साइन है। मींस एक ओके फाइनेंशियल वाइज हम कंपनी बता सकते हैं कि ये ओके फाइनेंशियल कंपनी है। अब हम आईपीओ की डिटेल्स की अगर बात करें तो 22nd ऑफ फेब को ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, मतलब आज इसका फर्स्ट डे था, और 26th ऑफ फेब को ये क्लोज हो जाएगा। देन 29th फेब को इसकी एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी। प्राइस बैंड इसका हायर कट ऑफ पे 186 पर शेयर का रखा गया है। टोटल इस आईपीओ का साइज है 525 करोड़ का, जिसमें से 40 करोड़ का ही सिर्फ फ्रेश इशू है, बाकी का सब ऑफर फॉर सेल है। एक लॉट में 80 शेयर्स रहने वाले हैं, तो आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI में अप्लाई करना है तो 14 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 67 शेयर्स के लिए आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी लेट अपडेट हुआ है, जो आज की डेट में चल रहा है 32 का। आईपीओ का प्राइस हमने देखा 186 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे सिर्फ 17% तक की लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो काफ़ी कम लिस्टिंग गेन के बेनिफिट्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 800 पर लॉट पे आपको जो है बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी कम यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं लिस्टिंग से। अगर हम इसके फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन की भी बात करें तो आज फर्स्ट डे में ये टोटल 0.38 टाइम्स ही सिर्फ सब्सक्राइब हुआ है, तो डिमांड भी इसमें कुछ बहुत अच्छी देखने को हमें नहीं मिल रही है। तो इन ऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये एक इस तरीके का आईपीओ है। वैसे तो हेल्थ केयर जो जिस सेक्टर की ये कंपनी है वो एवरग्रीन सेक्टर है, इसके बिजनेस जो है अच्छे चलते हैं।
लेकिन कंपटीशन काफ़ी है। और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने देखे तो हमें ओके फाइनेंशियल्स इसके दिख रहे हैं। कहीं पे कुछ डेटा इनके काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का ROE ROC अच्छा है, लेकिन वहीं पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत खास ग्रोथ देखने को हमें नहीं मिली है। लास्ट ईयर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उल्टा डाउन हुई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी कुछ खास हमें यहाँ पे अच्छे बेनिफिट देखने को नहीं मिल सक रहे हैं। फर्स्ट डे की सब्सक्रिप्शन भी कुछ खास देखने को हमें नहीं मिल रही है। तो अब इन सब के बेसिस पे क्या इस IPO में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, तो अगर इसमें बात करें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे अच्छे IPO हैं जहाँ पे आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा IPO है जहाँ आप वेट एंड वॉच का टेक्निक रख सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप थर्ड डे के मिड डे तक वेट करें। 5 times ये सब्सक्राइब होता है तो ही आप इस IPO के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स भी हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इट्स बेटर कि या तो आप इसे अवॉइड करें, और अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो थर्ड डे के मिड डे तक 2 to 3 तक आप वेट करें 26th February को। अगर ये 5 times तो सब्सक्राइब हो जाता है, इसमें डिमांड देखने को मिलती है, उसके बाद आप इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। थैंक यू।